प्यार था ना। 39 ये रात के 239 ये काफी। यार मैं बताती हूँ, अपने फोन यूज करने के नुकसान तो बहुत सारे सुन रखे होंगे। सारी बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं नुकसान फोन यूज करने के। मैं आज आपको फायदा बताती हूँ भाई। अभी अभी ना टाइम देखो, अभी टाइम हो रहा है 2:39, ये रात के 2:39 AM है। सी 2:39 AM है और मैं अपना शांति से जर्नल कंप्लीट कर रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही फ़ोन उठा लिया, यार आदत से मजबूर फ़ोन उठाई और मैं अपने टिकट्स देखने लगी। और जब मैं टिकट को ध्यान से देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी जो टिकट है वो आज रात की है। मतलब समझ रहे, अभी अभी सुबह के 3 बजने वाले हैं और मेरी टिकट है रात की 11:30 बजे की। और मुझे ना आज कॉलेज भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम भी है, मैंने पैकिंग भी नहीं कर रखी है। लिटरली मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि कल की ट्रेन है, आराम से पैकिंग कर लेंगे रात में, आज ही रात में ट्रेन है। अब बताओ 3 बजने वाले, मुझे सुबह 9 बजे को मेरी क्लास है, 9 बजे कॉलेज जाना है, तो मैं पैकिंग करूँ सो जाऊँ या ये जर्नल कंप्लीट करूँ, बताओ। सुबह 3 बज चुके हैं और मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं पहले पैकिंग करूँगी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं ये बैग लेके जाऊँ या ये लेके जाऊँ, थोड़ा ज़्यादा होगा मेरे सामान के हिसाब से, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। सो थोड़ी देर तक बहुत ज़्यादा आलस करने के बाद फाइनली मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी और आई चूज़ दिस स्मॉल हैंड बैग क्योंकि ट्रॉली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है यार, कैरी करने में बहुत दिक्कत आती है, छोटी सी जान के आगे कैरी करे। सो फटाफट मैंने सारी पैकिंग वैकिंग करके काम ख़त्म कर दिया। क्यों आई है यहाँ? आपके लिए 260 रुपये का चालान कटवा के। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ले सकते थे? लिए थे, किस्मत खराब था ना, हम ज़्यादा ही खुश हो गए थे। एकदम स्टाइल में गिरा के आई है? गिरा ही नहीं, गिरा ना तो बोला ना मैडम आपका सामान गिर गया, हम बोले रख लो यार। अब मजा आ रहा है, मजा बहुत ज़्यादा। सो ओके, शायद आपको नहीं समझ आया होगा, मैं चाय पीते पीते सारी कहानी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, पल्लवी मुझे प्लेटफॉर्म पे पिक करने आई थी, उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया हुआ था बट एग्जिट से थोड़ा पहले सी ड्रॉप्ड इट और वापस उसने पिक भी नहीं किया क्योंकि लगा कि अब एग्जिट ही करने वाले हैं और एग्जिट पे ही टीटी ने पकड़ लिया एंड चार्ज 250 रुपीज़ फाइन। ओके सो रूम पे जाके वी गॉट रेडी और वापस से आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन क्योंकि हमें जाना होता है बंगला साहिब गुरुद्वारा। एंड हियर आई एम प्राउडली लुकिंग टॉलर देन हर, जो कि मैं हूँ नहीं। उसके बाद सी टुक अ टोकन फॉर मी क्योंकि मेरे पास मेट्रो कार्ड है नहीं, भोपाल में अब तक मेट्रो चलता नहीं। तो यस, उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। Thank you.
बाहर जा रही है। Now trust me, it was so peaceful inside. मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी, इतना क्राउड होने के बाद भी, इतना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था। एंड मतलब सीरियसली वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। बहुत देर तक हम बैठे थे और काफ़ी मतलब मेडिटेट किए, एंड इट वॉज सीरियसली वेरी सूदिंग। इट calmed me down from inside. सो काफ़ी देर तक गुरुद्वारा में टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से बाहर निकले, काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बाहर निकलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट देन हमने बस के लिए वेट किया मोदी जी और योगी जी के साथ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस तो नहीं आई। फाइनली ऑटो करके हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि इवनिंग में मेरी टिकट थी ऑलरेडी हरिद्वार जाने की। सो यस, हरिद्वार के नेक्स्ट व्लॉग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय।